हेलो एवरीवन, आज मैं ये देखिए लेस खाने के बाद आप फेंक देते हो ना, इससे मैं पेंसिल पाउच बनाऊंगी। और ये जो बचे हुए कपड़े हैं ना टुकड़े, इनसे मैं एक पौधान मल्टी कलर, ये मेरा रिक्वेस्टिंग वीडियो है कि मैं मल्टी कलर का एक डोरमेट बनाऊं, तो वो बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहले सबसे पहले हम लोग ये काट लेंगे, इसको काट लेना है। इसको काटने के बाद ये देखिए एक बड़ा सा आपको मिल जाएगा। अभी आपको जिस भी साइज का बनाना है आप उस साइज का बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसके जो किनारे के पार्ट थे वो कट दिया, और अभी ये जो ये देखिए ये पार्ट रहता है ना, इसको भी कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको कट कर लिया और मैं एक पेंसिल पाउच बना रही हूँ, और उसी के साइज का मैंने कपड़ा भी कट कर लिया है। तो मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बताती हूँ। तो इसकी लंबाई मैंने लिया है 9, और इसकी चौड़ाई मैंने रखा है 8.5। ये देखिए, मैंने इसका साइज बता दिया आपको। अब सबसे पहले ये देखिए, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ पे सिल लेंगे, या तो आप इसको पिन से सिक्योर भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको पिन से सिक्योर कर लिया है, और फिर उसके बाद मैंने इसी के साइज का ये देखिए चैन काट लिया है, और अब मैं इसको ये देखिए उल्टा की तरफ से इसको स्टिच करूँगी। देखिए, मैंने इसको सिल लिया है ना, अब इसको ऐसे ये देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए इस पर ऐसे स्टिच कर देंगे। ये देखिए, मैंने दोनों साइड सिल दिया है, और चैन को ऐसे दबाते हुए एक ऊपर से भी सिलाई ले लिया। अब ये इसमें मैं एक रनर डाल दूंगी। ये देखिए, मैंने इसमें रनर डाल दिया है, अब मैं इसको उल्टा करूंगी। उल्टा करते हुए ये देखिए इसमें साइड में सिलाई दे दूंगी, और ये पाउच तैयार हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इसको दोनों किनारों पे सिल दिया है, अब मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये बहुत प्यारा लगेगा और वाटरप्रूफ भी रहता है ये। ये देखिए, मेरा बन गया है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बच्चे भी इससे बहुत अट्रैक्ट रहते हैं। ऐसे ही देखिए मैं एक और बनाई हूँ। दोनों पाउच बन के तैयार हो गए हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी लेस या बिस्किट वगैरह खाएं, तो उससे ऐसे सुंदर पाउच बनाएं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड लोग में शेयर करें। थैंक यू।